बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है। साबिर अली ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब तक उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। साबिर अली के बीजेपी में शामिल होने का कई पार्टी नेता विरोध कर रहे हैं। कल सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर यह कहा कि साबिर अली भटकल के दोस्त हैं और अब लगता है कि दाऊद इब्राहिम भी बीजेपी में शामिल हो जाएगा। इसके बाद से साबिर का विरोध कई बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया। इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले साबिर अली ने चिट्ठी लिखी और अपनी सदस्यता रद्द करने की फिलहाल उन्होंने मांग की है। साबिर अली के बीजेपी में शामिल होते ही विवाद शुरू हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कई सारे आरोप लगा दिए। साबिर अली ने आज ये पत्र धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको लिखा है और ये कहा है कि जो कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जब तक उससे वो मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनकी सदस्यता को फिलहाल होल्ड पे रखा जाए। हमारे साथ साबिर अली जी हैं। आप लगता है बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं जो आरोप लगा? स्वाभाविक है यार, मैं इस देश का सबसे उचला सदन है, मैं उसका मेम्बर 6 साल रहा हूँ, मुझ पर 107 का भी मुकदमा दर्ज नहीं है और इस तरह का आरोप, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो छोड़ो, मुझ पर तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है। मैं सरेआम अगर कोई सिद्ध हो जाए तो सरेआम मैं अपने आप को सरेंडर करके फांसी लगा दो, लेकिन हवा में भी फरिश्ते के साथ भी कोई कनेक्शन हो जाए तो मैं राजनीति से पूरा आजीवन संन्यास लेने को तैयार हूँ। आज जो आपने पत्र लिखा है उसमें क्या कहा है? जो हमने सिर्फ कहा है कि आप देख लीजिए, हमने कहा है कि भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है या तो आप आ जाए, मुझे बुला लें, मैं कहीं भी आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ और आप हमको दिखा दीजिए कि आपके पास सबूत है जो बात कही है, मैं राजनीति से संन्यास ले। धर्मेंद्र प्रधान को आपने हमने कहा कि उस सदस्यता को आप अपने, जी बिल्कुल, आप जब तक के स्थगित रखें, चूंकि भाजपा में जिस नीयत से काम करने के लिए आए और किसी के कोई मामला कंट्रोवर्सी नहीं हो और जिस नीयत से गया हूँ, मैं समझता हूँ कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक मजबूत सरकार बनेगी जो इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा, करप्शन मिटेगा और खासकर अकलियत के लोग जो अभी डिलाइन रहे हैं उसको स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। यही लोगों को लग रहा है कि यही साबिर अली हैं। हालांकि संघ की तरफ से भी कहा जा रहा है, जो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद संघ को भी कुछ रिजर्वेशन है, बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी देखा है, लेकिन मुझे अभी जब तो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत से लोगों का सकारात्मक बयान है और मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग ग्रास रूट के लोगों के जोड़ने वाले लोग हैं और कल मेरे साथ छोटी सी सिर्फ मेरी सदस्यता ग्रहण करने की बात थी तो 3000 से ज़्यादा लोगों ने रेला पेली लगा दी। आप समझ सकते हैं कि हम लोग लोगों के जोड़ने के काम करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। आवाम आपके साथ है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे, अगर ऐसा होता है कि साबिर अली, अगर मगर पर नहीं, तो साबिर अली का क्या मतलब? मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मगर पर राजनीति नहीं चलती है, मुझे मैं काम करूँगा और जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ मैं बहुत ईमानदारी, क्लीन चिट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं काम करूंगा। जी, तो साफ तौर से साबिर अली जी का कहना है कि वो काम करेंगे और ये पत्र लिखा है धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के प्रभारी हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी को, कि जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, जो आरोप मुख्तार अब्बास नकवी ने लगाए हैं वो जब तक पाक साफ ना हो जाए तब तक उनकी सदस्यता को होल्ड पे रखा जाए। कैमरामैन सुजीत के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।